तो स अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में अंतर कितने का हो, मात्र एक का हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच मात्र एक का अंतर हो, सह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। दोनों का दोनों नंबर क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए, ठीक है, और उसके बीच में अंतर कितने का होना चाहिए, एक का, ठीक है। तो जैसे में दो तीन, ठीक है, दोनों का दोनों क्या है, अभाज्य है, इसके बीच में अंतर कितने का है, एक का अंतर है, इसलिए क्या है, सह अभाज्य, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, तो सेम चीज है, सह में अंतर कितने का होना चाहिए, एक का, युग्म में अंतर कितने का होना चाहिए, दो का, वैसी दो अभाज्य संख्याएं, वैसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच दो का अंतर हो, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। और कौन कौन संख्या है भाई, तीन पांच, तीन पांच दोनों का दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, अंतर कितने का इसके बीच में, दो का ही अंतर है, उसके बाद पांच सात दोनों अभाज्य संख्या है, अंतर कितने का है, दो का, उसके बाद ग्यारह तेरह, ग्यारह तेरह दोनों अभाज्य है, इसके बीच में अंतर कितने का है, दो का, है ना। अब अगर हम बात करें तेरह और सत्रह का, तो तेरह सत्रह ये युग्म अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि तेरह भी अभाज्य है, सत्रह भी अभाज्य है, लेकिन अंतर कितने का है, अंतर चार का है, इसलिए ये युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर जिस संख्या के पहले धन चिन्ह यानी कि प्लस का सिंबल लगा हो, हुआ हो या नहीं लगा हुआ हो, तो वह संख्या धनात्मक संख्या कहलाती है। प्लस का चिन्ह देंगे तो क्लियर ही हो जाएगा कि वो धनात्मक है, लेकिन नंबर अधिकतर नंबर दिया रहता है, लेकिन उसके पहले कोई चिन्ह नहीं रहता, तो वहां प्लस का चिन्ह क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है, विलुप्त रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक संख्या बोलेंगे, ठीक है। चूंकि धन चिन्ह लुप्त
रहता है, जैसे 5, 6, 7, 10। इन सबके पहले प्लस का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह क्या है? लुप्त है, छुपा हुआ है। ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर जिस संख्या के पहले ऋण चिन्ह मतलब घटाव का चिन्ह दिया हुआ हो, लगा हुआ हो, सब गलती है। उस संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। मतलब निगेटिव संख्या जो है, ऋणात्मक संख्या है ना, उसके पहले क्लियर कट हमको क्या दिखाई दे देगा? माइनस का सिंबल दिखाई दे देगा, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो। ठीक है, चर समझते हो ना, जितने भी इंग्लिश लेटर्स हैं चाहे हिंदी लेटर्स हैं उसको चर बोला जाता है, और अचर जितने मैथ के नंबर्स हैं, ठीक है, अंक हैं, संख्या है, वो सारा का सारा क्या है? अचर है। तो चर हो चाहे अचर हो, उसके पहले घटाव का चिन्ह अगर लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या है आपका? निगेटिव नंबर है। ठीक है ना, ऋणात्मक संख्या है। जैसे -5, -7, -5xy, -6xyz, इस तरह से कोई भी है तो क्या है? ऋणात्मक है। ठीक है, अगला जो अब हम लोग जो चैप्टर में चल रहे हैं उसमें है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो संख्या हम लोग को बट्टा के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। लोअर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है जो भिन्न है, बट्टा है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। ठीक है, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर मैथ, आपकी किताब के हिसाब से जो संख्या पी बट्टा क्यू के रूप में हो, या जो भी p बट्टा q के रूप में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जिस संख्या को p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या संख्या कहते हैं। यहां p को अंश तथा q को हर बोला जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे कि अंश और हर आप लोग का सही समझ में आ जाएगा। p बटा q तो नया चीज मिल रहा है, लेकिन अंश और हर ये चीज आपके लिए पुराना है। और ध्यान रहे कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या में q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब हर कभी भी जीरो, अंश जीरो हो सकता है लेकिन हर जीरो नहीं हो सकता। परिमेय संख्या में संख्या में q इज नॉट इक्वल टू जीरो, हर जीरो नहीं हो सकता। जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है, a बट्टा बी ये परिमेय संख्या है, 0/2 ये परिमेय संख्या है, लेकिन अगर यही चीज 5/0 लिखा हुआ है, जब हर में जीरो आ जाए तो परिमेय संख्या नहीं है,
ठीक है, अगर किसी भी संख्या के नीचे उसका हर नहीं दिया हुआ है तो भी वो परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके नीचे एक छुपा हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा कि एक छुपा हुआ रहता है। पांच लिखा हुआ है तो पांच आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि पांच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पांच को लिख सकते हैं पांच बट्टा एक लिख सकते हैं। ठीक है, हर एक संख्या के नीचे अगर सिंगल दिया हुआ है तो उसके नीचे उसका डिनोमिनेटर उसका हर एक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है कि दिए हुए संख्या को उसके p बटा q के रूप में लिखें, तो कुछ नहीं करना है। अगर p बटा q के रूप में बोलता है लिखने के लिए तो सीधे उस नंबर को लिखिए, बराबर दीजिए और वो नंबर बटा एक कर दीजिए, आपका p बटा q के रूप में हो जाएगा। ठीक है, कभी भी परिमेय संख्या को जो है ना सरलतम रूप में लिखने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई परिमेय संख्या ऐसे दिया हुआ है जैसे कि दे दिया है 15/12, ठीक है, तो हमेशा इसको क्या करेंगे हम सरलतम रूप, सरलतम रूप का मतलब होता है इसको कटा करके लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म। 3 के टेबल में दोनों है, 3 5 15 और 3 4 12 मींस 5/4 क्या हुआ, हमेशा इसको लोएस्ट टर्म यानी सरलतम रूप में लिखेंगे। और जो आपका P और Q दिखाया गया है, P और Q यानी कि अंश और हर, परिमेय संख्या में अंश और हर का जो महत्तम समापवर्तक होता है यानी कि HCF जो होता है वो तो कितना होता है, ओनली 1 होता है। ठीक है, P तथा Q का HCF केवल 1 होता है। ठीक है, और जैसे कि हम लोग के पास है 5/4 है, 4 और 5 के HCF आप लोग निकाल कर देख लीजिए, ओनली 1 आएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, तो परिमेय संख्या में था कि जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, परिमेय, और अपरिमेय जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जिसको हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय, है ना। जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा भाई, पूरा संख्या ही है तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। तो सिंपल से इसका लॉजिक है कि जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम लोग वो क्या है, अपरिमेय है, उसी को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, अथवा जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का एक खास पहचान है कि ये रूट के अंदर रहता है। ठीक है, तो रूट के अंदर आपका जो है वर्ग भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, तो आपको ये पहचान लेना होगा कि जिसका वर्गमूल निकलेगा रूट के अंदर रहते हुए भी जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या है, अपरिमेय है। जैसे कि मैं बात करूं अगर 4 का, तो 4 तो रूट में है, दिखाई दे रहा है आपको, तो रूट में देख करके इसको आप मत बोल दीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय है, क्योंकि 4 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा 2 × 2 यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना जाएगा 2, तो ये हमारे परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर हम बात करें रूट 3 का, तो 3 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या है, रूट 3 अपरिमेय है। अगर हम बात करें रूट 5 का, तो रूट 5 भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि सर जी ये तो छोटा छोटा था,
आप हो सकता है कि रट के आए हो तो हमको बता दीजिए कि ये परिमेय है। बड़का बड़का तो एक और चेक करके देख लीजिए ना। तो बड़का बड़का कैसे चेक करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कि हम इस कोई भी संख्या अपने मन से लिख देते हैं 732, और याद रहे कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर अगर एक और जीरो हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे सात हो, चाहे आठ हो, ठीक है, तो वह संख्या कभी भी वर्ग नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इकाई के स्थान पे दो है, ये क्लियर है कि ये क्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं उसको, टुक्का मारने से अच्छा कि एक बार चेक कर ले, है ना। तो 732 लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं, वर्गमूल निकाल के देखते हैं, भाग विधि जिसको बोलते हो। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए किया क्या जाता है कि दाहिने तरफ से जिस हाथ से भोजन होता है ना, उधर की तरफ से क्या करते हैं, जोड़ा लगा देते हैं। इंग्लिश में इसको पेयर बोलते हैं। तो जब जोड़ा लगा देते हैं तो जो नंबर अकेले बच जाता है उसके बारे में सोचेंगे, जिसका जोड़ा लगाए उसके बारे में नहीं सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? जो अकेला बच गया उसके बारे में सोचेंगे। तो सात बचे ना भाई, तो अब कौन सा संख्या लिखे जो कि वर्ग हो, कौन सा संख्या लिखे जो कि वर्ग हो, और ध्यान रहे कि जो संख्या लिखेंगे वो या तो उसके बराबर आए, नहीं तो उससे छोटा है, बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद रखिएगा, एक लेंगे तो एक एकम एक, दो लेंगे तो दो दूना चार, तीन लेंगे तो तीन तरीका नौ, तो नौ ज्यादा हो जा रहा ना, तीन बार में ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए दो बार में लेंगे, दो दूना चार, टू टू जा फोर, तो यहां टू लिखे ना, तो यहां भी टू लिखेंगे, जस्ट जो नंबर लिखे उसके नीचे भी टू लिखेंगे, तो टू लिखे, अब इसको इंटू कर देंगे, टू टू जा फोर, गुणा करके भीतर और जोड़ करके बाहर, दो दो चार, ये ना कि सर इधर भी गुणा करके लिखे हैं, इधर भी गुणा करके, दो में दो जुड़िएगा तो भी चार आएगा, दो में दो से गुणा कीजिएगा तो भी चार आएगा, लेकिन याद रहे कि बाहर जोड़ के लिखेंगे और भीतर गुणा करके लिखेंगे। तो सात से चार गया तीन, अब जो बचा हुआ नंबर आपका है जोड़ा वाला, उसको ऊपर से नीचे उतारेंगे, तो कितना है, 32 है ना, तो 32 को उतार दिए। अब चार के बाद आपको नंबर भरना है, क्या नंबर भरेंगे, या तो ये पूरा पूरा कट जाए और नहीं तो इससे कम है, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो भाई साहब चार के बाद हम क्या, अब तो यहां तुक्का लगाना पड़ेगा, कोई जादू मंत्र है नहीं। तो चार के बाद अगर हम भाई साहब एक भरते हैं तो एक से गुना करेंगे, चार के बाद दो भरेंगे तो दो से गुना करेंगे, चार के बाद तीन भरेंगे तो तीन से गुणा करेंगे, तो ये 41 आएगा, ये दो दूना चार, चार दूना आठ, ये तीन तरीका नौ, और चार तीन 12, ऐसे भरते हम 9 तक चेक करेंगे, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है एक, मतलब मैं अपना आइडिया भी डाल रहा हूं, ये चार है, यहां पे 33 है ना, तो चार आठ 32 हो सकता है, आठ भरेंगे तो 32 आ जाएगा, तो हो सकता है कम आए, तो मैं यहां क्या भर देता हूं, आठ, आठ से गुणा, आठ अठाई 64 के चार हासिल छह, आठ चौके 32 और छह 38, ज्यादा आ गया, आ गया ना इससे, आठ भरने पे क्या आ गया, ज्यादा आ गया, तो मैं एक बार अब पीछे जाता हूं, सात भरता हूं, तो सात, सात सत्य 49 के नौ हासिल चार, और सात चौके 28 चार 32, 329, यानी कम आ गया सात भरने पे, तो यहां सात भर दिए, यहां सात भरा है ना, तो यहां भी सात भरना पड़ेगा, और जस्ट इसके नीचे भी सात लिखना पड़ेगा, यहां ने सात लिख लिया। अब इसको जोड़ के लिखना भाई, तो जोड़ के लिख देते हैं, सात सात चार ये पांच, मतलब सात सात चार नहीं होता, सात सात चौदह होता है, चौदह का चार और ये चार एक पांच, ठीक है भाई। अब सात सत नौ, सात चौका 32, ऐसा ही होता है क्या, बेइज्जत कर देगा यार सब, सात सत 49 का नौ हासिल चार, सात चौका 28 चार 32, इसलिए डायरेक्ट लिखे हैं, ठीक है, सात सौ चार में ये नौ नहीं होता है, और ये 12 से नौ गया तीन, और ये हासिल दिया था इसलिए दो से दो जीरो जीरो, इसको काट भी सकते हैं, जीरो जीरो लिखेंगे, अगर यही चीज पूरा पूरा कट जाता तो उसका वर्गमूल समझ जाता कि निकल गया, लेकिन पूरा पूरा नहीं कटा ना, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो इसलिए क्या है ये अपरिमेय। अब समझ में आया कि नहीं आया, तो जो पूरा पूरा नीचे अगर कट जाएगा तो परिमेय हो जाएगा, नहीं तो अपरिमेय।